वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइव स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स है। ये स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सा लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है और टारगेट किसके लिए लेके चलना है, इसके बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक को आपको कंसिडर करके चल सकते हैं। और जिनका पोर्टफोलियो में रहेगा तो उनको एवरेज करना है कि क्या करना है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है जो स्टॉक ऐसा भी, इसमें काफी सारे स्टॉक है जो कि डेट फ्री है, इसमें कुछ स्टॉक ऐसा भी है डेट भी उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर डेट भी है, तो लेकिन उसको क्यों सिलेक्शन किया, उसके सिलेक्शन का पीछे का वजह क्या है, किस रीजन क्या है, इस वीडियो में उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो फिर भी आप देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर आपको बाय करना है तो उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस जरूर आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो भी कोई स्टॉक के बारे में बताता हूँ, आप खुद एक बार खुद का भी स्टडी जरूर कीजिए, उसी बेसिस पे आप बाय करना है। मेरा कहने पे आप बाय मत कीजिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी मार्केट में जब करेक्शन होता है ना, उस टाइम पे आपका मन में काफी सारा सवाल भी आ सकता है कि मैंने क्यों बाय कर लिया है, क्या हुआ। तो ये जो चीज आप सीख समझ कर अगर बाय करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में जैसे करेक्शन होगा उस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब स्टॉक नीचे गिरेंगे तो वो स्टॉक बेकार हो जाता है, क्योंकि एक भाई का भी सवाल था कि ये मैरिको ऐसे नीचे क्यों गिर रहा है। अरे भाई, स्टॉक जब ऊपर जाता है ना उस टाइम पे आप बाय कर लेते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्टॉक कभी भी आपको बाय करना है ना तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बाय कीजिए। मैं जब अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ उस टाइम पे तो आप बाय कर लेते हैं, स्टॉक जब नीचे गिर रहा होता है ना उस टाइम पे आपके पास में पेशेंस भी नहीं होता है कि उस स्टॉक को होल्ड करें। मैरी को कोई बुरा स्टॉक नहीं है, जब अच्छा स्टॉक आप बाय किए ना तो उसको होल्डिंग का कैपेसिटी भी आपको होना चाहिए। यही मैरी को मैंने एक साल डेढ़ साल पहले मैंने भी बाय किया था, उस टाइम पे मैंने भी फिर जब नीचे आया 20% का करेक्शन 25% का करेक्शन जब होता है उस टाइम पे इसमें एवरेज करना है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना ये सब मतलब इसको आप लाइफ टाइम के लिए भी लेके चल सकते हैं। सारे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैरिको हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे बहुत बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पे आप इन्फोएज के बारे में बात करेंगे, ऐसे सारे काफी स्टॉक है जो कि ये आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको उस टाइम पे होल्ड करना है, ठीक है। एबॉट इंडिया हो गया। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक रहेगा तो उसको अगर डिटेल एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे आके जरूर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके साथ में ये प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, जैसे कि कल छुट्टी है, ये सारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू है, यहाँ पे हमने कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, ट्रेडिंग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है तो, ठीक है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये मार्सन फार्मा है, पहला जो स्टॉक है मार्सन फार्मा है। स्टॉक को क्यों सिलेक्शन किया है, ये स्टॉक में बहुत बढ़िया अभी स्टॉक मार्केट में जैसे अभी देखेंगे तो निफ्टी को देखिए, निफ्टी अभी नियरेस्ट ऑल टाइम हाई के पास में आ चुका है जो कि ऑल टाइम हाई है 18,600 के पास में। स्टॉक ट्रेडिंग अभी जो निफ्टी ट्रेडिंग हो रहा है अभी 17,800 पे ट्रेडिंग हो रहा है, अभी यहाँ से ओनली 800 पॉइंट्स बाकी है, ठीक है, जो कि 4-5% अगर ऊपर जाएगा तो उस टाइम पे ऑल टाइम हाई के पास में आ जाएगा, ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा निफ्टी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे जो स्मॉल कैप स्टॉक है ना इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल अभी बचा हुआ है, अभी हम बाय करके चलेंगे। तो अभी देखिए, अभी हमने जो टारगेट लिया है यहाँ पे, टारगेट लेने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स जो भी हमारा चैनल पे रेगुलरली देखते हैं तो अभी ये स्टॉक में बाय करके अभी उनको परेशान हो रहा है कि हमने बाय किया स्टॉक में अभी तक टारगेट नहीं आया। देखिए 37% का अभी भी आपको करेक्शन स्टॉक मिल रहा है, अगर आपने ये स्टॉक में एंट्री नहीं लिया है तो इमीडिएटली मैं आपको बोलता हूँ ये स्टॉक में आप एंट्री लेके चल सकते हैं। उसका पीछे का रीजन क्या है मैं बोलता हूँ, ये डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे अगर फास्ट टारगेट की बात करेंगे, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 61 पे, पहला जो टारगेट आप लेके चलेंगे 77 तक का, अगर 77 तक का ये स्टॉक में आप बने रहते हैं तो आपको 27% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मुझे लगता है ये 3 months में आपका टारगेट अचीव करा सकता है, ठीक है। स्टॉक में इतना दम है, स्टॉक जो भागता है ना 2 दिन में आपका टारगेट अचीव कराता है। देखिए यहाँ पे किस हिसाब से स्टॉक भागा था, यहाँ पे 3 दिन है। जब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना तो उन्होंने जब बाय करके रखते हैं ना तो उनको और भी माल चाहिए होता है, तभी ये स्टॉक को नीचे लेके आते हैं, उस टाइम पे और भी अक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, ऐसा आप भी सोच सकते हैं।
तो ये क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि स्मॉल कैप स्टॉक है। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो इस स्टॉक को अवॉइड भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में रिस्क होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसीलिए मैं ज्यादातर जो स्टॉक है ना, स्मॉल कैप स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अगर रिस्क ले सकते हैं, रिटर्न भी उस हिसाब से मिलेगा, उसी बेसिस पर आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, जो कि 97 तक का नेक्स्ट टारगेट तक का स्टॉक को लेकर चल सकते हैं, यहाँ पे आपको 60% का गेन मिल सकता है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे बताया कि 60% का गेन आपको 6 मंथ में मिल सकता है। बिल्कुल, मेरा जो टारगेट है ना, 6 मंथ में आपको 60% जरूर मिलेगा। अगर आप 3 मंथ से स्टॉक में होल्ड करेंगे ना, आपको 27% मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, 3 मंथ्स की जब हम बात करते हैं, कभी कभी 1 वीक्स में भी उसका टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है 3 मंथ्स में 4 मंथ्स भी लग जाएगा। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप बोलेंगे कि बार बार क्यों इस चीज का जिक्र कर रहे हो, भाई ऐसा ही होता है, तभी तो मैं बताना तो आपको जरूरी है ना। अब देखिए, मैंने आपको डेल्टा क्रॉप के बारे में बताया था, 1 वीक में इसका टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। आप जाके देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले बताया था इसके बारे में, भारत रसायन के बारे में, यहाँ पे बताने के बाद में 25% गेन मिल चुका है स्टॉक में। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, कभी कभी करेक्शन पे 3 मंथ से 4 मंथ भी हो सकता है, ये चीज भी आपको रखना है ध्यान में। और आपको बोरोइंग मनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्विंग ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास में जितना सरप्लस मनी है उसी को ही आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कीजिए, ठीक है। जो भी सरप्लस मनी है या तो फिर एफडी में है, वही सारे मनी को आप स्विंग ट्रेड या तो फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अगर लोन में लेके करेंगे तो स्टॉक मार्केट से आप बिल्कुल तो फिर डूब सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जितना आपके पास में फंड है वही फंड से आप करियर स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। मुझे भी ऐसे काफी साल लगा, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली सारे इन्वेस्टमेंट एक बार में स्टार्ट कर लिया था, स्विंग ट्रेडिंग एक बार में स्टार्ट कर लिया था। मैंने तो पहले इंट्राडे भी किया, इंट्राडे में बहुत सारे लॉस किया, उसके बाद में मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे आया, ठीक है। अभी ये स्टॉक को कंसीडर करके चल सकते हैं, यहाँ पे 97 का नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि सेकंड टारगेट है, ये भी अचीव हो सकता है 6 मंथ्स में, 60% का गेन है। 3 मंथ्स अगर ये स्टॉक को लेके चलेंगे 27% का गेन मिल सकता है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर हम बात करेंगे, स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, फ्रेंड्स इसमें 53% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 100 रुपये का नीचे स्टॉक आता है, आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। 11 लाख क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, 6 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, ठीक है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, अगर आरओसी की बात करेंगे 39% का आरओसी है, ठीक है। तो इस स्टॉक को देख लीजिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि यही मेन चीज होता है, मैं आपको इसीलिए इस स्टॉक में बोल रहा था, रिस्क कुछ तो है, ठीक है। रिटर्न के साथ में हमें रिस्क भी जरूर देखना चाहिए। मैं जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान फूड्स के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल एक मल्टीबैगर स्टॉक है, इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। देखिए, 5 ईयर्स में 61% का गेन दिया है, सीजीआर रिटर्न दिया है, ठीक है। और प्रॉफिट भी देखिए किसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। 5 ईयर्स में 91% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स किसी हिसाब से ग्रोइंग हो रहा है वो भी देख लीजिए। 5 ईयर्स में सीजीआर 125% का सीजीआर ग्रोथ हो रहा है, कंपनी जबरदस्त एक्सपेंशन भी कर रहा है। सेल्स देखिए, सेल्स किसी हिसाब से बेहतरीन ग्रो हो रहा है सेल्स में। प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम इस स्टॉक में है, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग देख लीजिए, जो कि रिजर्व आप कंपनी के पास में 226 करोड़ का था, अगर बोरोइंग की बात करेंगे यहाँ पे 2.48% का बोरोइंग है, जो कि 100% बोरोइंग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 1.0% मतलब 1.0 है, मतलब मीन्स ये स्टॉक में बोरोइंग ज्यादा है। तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा खटकता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये जो कंपनी ना बहुत ज्यादा एक्विजिशन कर रहा है, तो इसी हिसाब से कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है, तो इसी हिसाब से कंपनी का प्रोडक्शन और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बहुत बढ़िया से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं स्टॉक को बिल्कुल कंसिडर किया हूँ। तो अगर आप इसको अगर आपको रिस्क लगता है, आप इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो सही लग रहा है, इसीलिए तो मैंने स्टॉक में पोजिशन भी बनाया हूँ। तो यहाँ पे 4123 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका आरओसी देखिए, यहाँ पे आरओसी 17 है। ऑल टाइम हाई की अगर बात करेंगे 2580 के पास में ऑल टाइम है। स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे देखिए
स्टॉक है, जो स्टॉक है काफी दिन से कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो पहला टारगेट है, अगर आप पहला टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो पहला टारगेट है यहाँ तक जाने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर हम यहाँ से भी पोजीशन बनाते हैं तो। इसी हिसाब से यहाँ से अगर आप यहाँ तक का पोजीशन में अगर होल्ड करके चलेंगे यहाँ पे नियरेस्ट हाई तक, जो जिस जहाँ से स्टॉक गिरा था, तो यहाँ तक अगर स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको 29% का गेन मिल सकता है, जो कि फास्ट टारगेट आपका रहेगा आप 2450 से लेके 2475 तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3100 का लेवल है, 3100 का जो लेवल है तो यहाँ तक आप भी इसके स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब स्टॉक में ना इतना बड़ा सा करेक्शन होता है ना, जितना डीप मारता है उसी हिसाब से स्टॉक उतना भी भागता भी है, ठीक है। इसका रीजन तो आप मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको 3100 का लेवल जरूर अचीव हो सकता है, जहाँ तक का अगर आप इस स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको एक साल भी लग सकता है या तो 6 मंथ्स भी लग सकता है, लेकिन ये जो टारगेट रहेगा ना आपको यहाँ पे 63% का गेन मिल सकता है, ठीक है। ये पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। ये स्टॉक में जिस टाइम पे ये स्टॉक इस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा था ना, मेरा ये स्टॉक में पोजीशन भी था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जिस हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने क्या किया था, ये स्टॉक में यहाँ पे पोजीशन बनाया था, ठीक है, जहां पे स्टॉक तोड़ता ना, जहां पे जिस हिसाब से सपोर्ट वगैरह, जहां पे रेजिस्टेंस वगैरह तोड़ता है, उस टाइम पे टीवी में बताते हैं कि यहाँ पे स्टॉक को ले लो। मेरा ऐसा नहीं है, मैंने क्या किया था, ये स्टॉक को यहाँ पे पोजीशन बनाया था, ठीक है। इसी बेसिस पे यहाँ पे जो पोजीशन बनाया था, मैंने टारगेट रखा था यहाँ पे कॉप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से, जब स्टॉक इतना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है ना, तो उसी बेसिस पे मैंने इसका टारगेट यहाँ तक लेके चला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये टारगेट पे मैंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में स्टॉक भी ऊपर तक भागा था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कोई इतना लालच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा लालच करेंगे तो कभी कभी ट्रैप हो सकते हैं। जब हमें इतना परसेंटेज का गेन मिल रहा है तो हमें बिल्कुल ये स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना परसेंटेज का गेन है, 25% का गेन है। कितना दिन लगा, 1 महीना 2 महीने नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, आप ये स्टॉक को अगर अभी आपको बाय करना है तो बाय करके चल सकते हैं। ये जो आपका हिंदुस्तान फूड्स है, तो आपको बढ़िया सा रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि देन नेटवर्क है। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर आपका पोजीशन नहीं है, आपको बिल्कुल पोजीशन रखना है। क्यों, उसका पीछे का रीजन मैं बताता हूं। उसका पीछे का रीजन देखिए, एक छोटा सा मार्केट कैप है जो कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट फ्री कंपनी है, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए 256 है। स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है अभी बुक वैल्यू के नियरेस्ट ट्रेडिंग हो रहा है, 43 इसका करंट मार्केट प्राइस है, अभी बुक वैल्यू इसका 60 है, तो मतलब बिल्कुल डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए, 75% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आपको बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा गेन मिल सकता है। ये सब्सिडरी कंपनी है जो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो इस हिसाब से जो पहला टारगेट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है पहला जो टारगेट के लिए अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेंगे, अभी अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया है, पहला टारगेट जो है ना आपको 3 मंथ्स में, ऐसा भी हो सकता है 3 मंथ्स में अचीव हो सकता है, उससे पहले भी अचीव हो सकता है, ठीक है। जो पहला टारगेट है आपका यहाँ पे 55 तक, पहला टारगेट तक अगर स्टॉक में बने रहते हैं तो आपको यहाँ पे 27% का गेन मिलता है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स तक ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आप यहाँ तक का लेके चल सकते हैं, जो कि 65 का लेवल है, ठीक है। वहां तक अगर स्टॉक में बने रहेंगे आपको यहाँ पे 53% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक नहीं है, मेरा टारगेट और ऊपर लेवल तक मैं स्टॉक में बना मतलब होल्डिंग ही रखा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इतना जल्दी सेल करने वाला नहीं हूँ, अगर आपको सेल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो होल्डिंग है, मैं तो ये स्टॉक को यहाँ तक इस लेवल तक भी लेके चल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में ये जो लेवल है ना, ये लेवल भी हमें अगर 1 साल 2 साल तक होल्ड करेंगे ना, तो 100 का लेवल भी ये स्टॉक बिल्कुल टच कर सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप स्टॉक में एंट्री लीजिए। अगर क्विक गेन चाहिए तो आप यहां तक होल्ड करके चलिए, जो कि 52% का गेन आपको 6 मंथ्स में मिल सकता है, यहाँ पे 3 मंथ्स में 27% का गेन मिल सकता है, ठीक। अगर हम डिलीवरी की बात करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है,
देन नेटवर्क देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में 37% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 10 लाख क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, 4 लाख क्वांटिटी यहां पे डिलीवरी उठाया गया है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि गुड ईयर है, ठीक है, जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके बारे में हमने काफी दिन पहले भी वीडियो बनाया था। उस टाइम पे तो ये एक दिन में इतना नीचे गया था, जो कि यहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका क्या हालत हुआ होगा। देखिए मैं इसीलिए स्टॉक में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे 20% नीचे आया था, ठीक है। जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसी दिन उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उनको लॉस हुआ होगा, उसी दिन फिर से स्टॉक यहाँ से फिर आगे चलना स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को अवॉइड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर किसी का पोर्टफोलियो में है तो ये स्टॉक को होल्ड कीजिए, ठीक है। कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि टायर एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। ROC 20 का ROC है, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात है डेट फ्री कंपनी है, और प्रमोटर का होल्डिंग बेहतरीन है। यहाँ पे अगर हम जाके एक बार स्क्रीनर में चेक करेंगे, देखिए गुड ईयर में प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 74% का होल्डिंग है, एक बेहतरीन होल्डिंग है प्रमोटर के पास में। तो ये सारे जब डाटा हम देखते हैं ना, तो ये कंपनी में बने रहने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसा तो नहीं लॉस मेकिंग कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे सेल्स में, सेल्स भी हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। आरओसी देखिए, आरओसी यहाँ पे 20% का आरओसी है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, अभी अगर आपको बाय करना है स्टॉक में आप बाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पे जो टारगेट है, यहाँ पे ये टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हैं, ये जो टारगेट है पहला, आप यहाँ पे ये लेवल से लेके आप ये लेवल तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक में जो पहला टारगेट है आपका 1300 टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। 1300 टारगेट तक का अगर हम देखते हैं अभी कितना परसेंटेज का गेन मिलता है, अगर 1300 टारगेट तक ये स्टॉक में बने रहेंगे 32% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए, अगर एवरेज करना चाहते हैं तो भी एवरेज करके चल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टॉक है कावेरी शीट्स है। कावेरी शीट्स भी एक डेट फ्री कंपनी है, ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसके बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पे स्क्रीनर में, एक डेट फ्री कंपनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सारे चारों को चारों डेट फ्री कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो कंपनी है उसमें डेट है, तो उसको आपको बाय करना है नहीं करना है आप खुद का बेसिस पे रिस्क ले सकते हैं, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो में है, मैं उतना तो उसमें बुलिश हूँ, इसीलिए तो स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखा हूँ। इतना मल्टीबैगर स्टॉक को कौन सेल करेगा हिंदुस्तान फूड को। तो यहाँ पे कावेरी शीट से, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 3100 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी देखिए 25 का आरओसी है, प्रमोटर प्लेस जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए जीरो डेट है। और अगर हम बात करेंगे स्टॉक में पोजिशन बनाने की, अभी 50% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। कंपनी किस चीज पे काम करता है, कंपनी अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स बनाता है, ठीक है। तो कंपनी भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, पहले तो हमें देखना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ पे सेल्स भी ग्रोइंग हो रहा है, सेल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं, मेरे हिसाब से ये कंपनी को ये रेंज पे आपको बिल्कुल ये रेंज तक लेके चलना है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे ये रेंज तक अगर स्टॉक में हम बने रहेंगे तो 775 तक अगर अपना पोर्टफोलियो में हम रखते हैं ये स्टॉक को, हमें ये स्टॉक में 45% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी भारत रसायन में बढ़िया सा कोई गेन देखने को मिला है, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में भी एक दो महीने में, अगर इस स्टॉक में आप बने रहेंगे 3 मंथ्स तक या तो फिर 6 मंथ्स तक, 3 to 6 मंथ्स में आपको 45% का गेन जरूर देके जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, थोड़ा खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। आप बोलेंगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आके ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये वीडियो वगैरह जरूर आप देख लीजिए, आपको बढ़िया सा नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू है, स्विंग ट्रेड स्टॉक है, और ऐसा तो इसमें तो काफी सारे 240 वीडियो है ना, इसमें तो ऐसा ऐसा स्टॉक भी है जो कि आपको 100% का गेन देने का दम रखता है। लेकिन उसके लिए आपको ये सारे वीडियो देखना पड़ेगा, एक गेन परसेंटेज का एक नोट करना पड़ेगा जो स्टॉक में अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है, और काफी सारा स्टॉक है। अगर आप खुद अगर वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, उसमें एक एजिस लॉजिस्टिक है, उसमें बहुत बढ़िया गेन दे सकता है, ऐसे काफी सारा स्टॉक है, ठीक है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको
पता चल जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंस वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक ये वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।